आपको चैप्टर वेदर पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन करिएगा और इसका वर्क आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज हम आपको ये चैप्टर स्टडी कराने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित इज इंजॉयिंग हिज समर हॉलीडेज। रोहित जो है समर हॉलीडेज को इंजॉय कर रहा है। एवरी मॉर्निंग ही गोज टू पार्क टू प्ले। तो प्रत्येक सुबह वो पार्क में खेलने के लिए जाता है। ही इंजॉयज द कूल ब्रिज इन द पार्क। तो पार्क में बहुत ही वो कूल ब्रीज महसूस करता है, क्योंकि पार्क में ठंडी ठंडी हवाएं हो जो है आ रही होंगी। तो सुबह के समय, जैसा कि गर्मियों में सुबह के समय क्या होता है, अच्छा लगता है मौसम और ठंडी हवाएं भी जो है फ्लो करती हैं, तो उसी के बारे में बताया गया। ही कम्स बैक आफ्टर अबाउट द 2 आवर्स। तो वो आफ्टर 2 आवर्स प्ले करने के बाद वापस आता है। द डे इज ऑलरेडी स्क्रॉचिंग हॉट। तो जो दिन होता है वो पहले से ही थोड़ा सा वो हॉट की तरफ स्क्रॉच हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था। रोहित कीप्स हिज डोर्स एंड विंडोज शट। रोहित ने अपने डोर्स को और विंडोज को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ही इंजॉयज द कूल कम्फर्ट ऑफ हिज होम। तो वो अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट महसूस कर रहा था, कूल महसूस कर रहा था। ऑन वन इवनिंग देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म। तो एक दिन शाम को क्या होता है, एक बहुत ही हैवी तरीके से स्टॉर्म तूफान जो है आता है। इट इज़ फॉलोड बाई हैवी रेन्स। और इसके संदर्भ में क्या होता है, हैवी रेन्स फॉलो करता है। हैवी रेन्स जो है भी आता है, जब भी देखिए आंधी तूफान आता है तो उसके बाद बारिश अक्सर होती है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि फिर जो हैवी रेन्स फॉलो होती है वो आती है। द इवनिंग बी केम वेरी प्लीजेंट। और जो शाम होती है वो बहुत ज़्यादा सुहावनी हो जाती है, प्लीजेंट हो जाती है। यू हैव सीन हाउ अ डे कैन चेंज फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी प्लीजेंट। तो आपने देखा कि कैसे एक दिन वेरी हॉट से वेरी प्लीजेंट में कन्वर्ट हो गया, बदल सकता है। अर्थात अत्यधिक जो गर्म था दिन, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, वो काफ़ी सुहावना मौसम हो गया था, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, ये एटमॉस्फेयर या फिर एयर में चेंजिंग की वजह से होता है। द चेंज इन सर्टेन कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ डे आर पीरियड इज कॉल्ड वेदर। तो जो चेंज होता है, कंडीशन जो होता है एटमॉस्फेयर का, वो जो सर्टेन जो चेंज होता है उसमें जो बदलाव हो जाता है एक दिन में या फिर एक पीरियड में, एक अवधि में, है ना, एक अंतराल पे, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, तो ये पीरियड की बात होती है। तो एक दिन में जो भी चेंजिंग होता है, जैसे सुबह गर्मी है शाम को ठंडी है, तो वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होता है। या फिर एयर जो होता है, एयर अगर हॉट है तो गर्मी, अगर एयर जो है कूल है तो वो प्लीजेंट का महसूस कराता है, ठीक है? तो उसको हम वेदर के नाम से जानते हैं। अर्थात जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होता है डे बाय डे, उसी को हम वेदर कहते हैं। फैक्टर्स ऑन विच वेदर डिपेंड्स आर एज फॉलो। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वेदर पे डिपेंड हैं। फर्स्ट आपका है टेम्परेचर। इट टेल्स हाउ हॉट एयर कोल्ड आ डे। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि दिन कितना गर्म है या फिर कितना जो है कोल्ड है। विंड स्पीड। इट कैन बी ब्रिज और स्टॉर्म। ये हमें बता सकती है कि एक तूफान के बारे में या फिर एक आंधी के बारे में। ह्यूमिडिटी। इट टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या बताता है, ये मॉइस्चर के प्रेजेंस को के बारे में बताता है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंस होते हैं उनके बारे में बताता है। व्हाई डज वेदर चेंज। वेदर कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है। आप लोग जो है पढ़ाते आगे। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी। पहला लाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन पे है, टेक अ लाइटेड इंसेंस स्टिक। आप एक अगरबत्ती जो है अगर उसको लेते हो, नोटिस डैट स्मोक इज गोइंग अप। तो आप ये नोटिस करते हो जो स्मोक होता है, जिसका धुआं होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, शो किया गया है। देखिए अगरबत्ती है, इसको जलाया गया है तो उसका धुआं ऊपर की तरफ जो है मूव अप हो रहा है, ठीक है? कीप द बर्निंग एंड ऑफ इंसेंस स्टिक डाउन। तो जो आप जो बर्निंग एंड होता है, अगर आप उसको उसको इंसेंस स्टिक डाउन करते हो, उसको नीचे की तरफ, उसको अगर उसका इंटेंस नीचे की तरफ करते हो, ये देखिए नीचे तरफ किया गया है, तो तब भी क्या होता है, जो उसके एयर होते हैं वो क्या होते हैं, गोजअप होते हैं, ऊपर की तरफ वो जाते हैं, ठीक है? द स्मोक स्टिल गोजअप। तो जो स्मोक होता है, धुआं होता है, तब भी वो ऊपर की तरफ जाता रहता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए आगे। दिस हैपन्स बिकॉज हॉट एयर मूव्स अप। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो मूव अप करती है ऊपर की तरफ। व्हेन हॉट एयर मूव्स अप कूल एयर फिल्स द गैप। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो कूल एयर उसके गैप्स को फिल कर लेती है। सिमिलरली एयर बिकम्स हॉट ड्यूरिंग द डे।
तो अक्सर क्या होता है कि जो एयर होता है वो एक दिन के दौरान जो है वो हॉट होती है। द हॉट एयर मूव अप एंड कूल एयर कम्स टू फिल द गैप। जो हॉट एयर होती है अगर वो मूव अप करती है मतलब ऊपर की तरफ जाती है तो कूल एयर क्या करती है वो गैप को फिल कर लेती है। ठीक है, द कॉसेस विंड टू मूव। तो इसे जो इसका जो कॉसेस होता है जो इसका कारक होता है मतलब जो रीजन होता है विंड क्या करती है जो हवा होती है वो मूव करती है इस प्रकार से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ विंड कॉसेस चेंज इन वेदर। तो जो विंड जो हवा होती है उसके जो कारक होते हैं अगर वो मूव करती मतलब विंड में अगर मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है वेदर में चेंजिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए पिक्चर में बताया गया है कि राइजिंग वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं लैंड से। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है डिसेंडिंग होकर के कूल एयर के रूप में जो ओशियन होता है वहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होता रहता है। देखिए सी ब्रिज है, ठीक है, सी का ये ब्रिज बनाया गया है। तो जो एयर होता है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो राइजिंग एयर जो मतलब कि इसका मतलब ये है कि वार्म एयर बच्चों ऊपर की तरफ जो है जाती है और कूल एयर नीचे की तरफ आती है, इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, सीजन्स सीजन्स के बारे में लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको ये पहले से ही मालूम है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती रहती है। द अर्थ पथ अराउंड द सन इज इन एलिप्टिकल। तो जो अर्थ का पथ होता है वो सन के अराउंड में वो एलिप्टिकल होता है मतलब दीर्घवृत्ताकार बोल सकते हैं या फिर अंडाकार भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, दोनों इसका मीनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा दीर्घवृत्ताकार। तो एलिप्टिकल शेप लुक्स लाइक आउटलाइन ऑफ एन एग। तो जो अंडा जो इसका दीर्घवृत्ताकार शेप होता है वो एक आउटलाइन ऑफ एन एग, वो एक एग की तरह जो है दिखता है। ठीक है, आउट मतलब बाहर से अगर देखा जाए तो एक वो एग की तरीके से अंडे की तरीके से उसका जो है शेप जो है दिखता है। बिकॉज ऑफ दिस दिस द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ चेंज इन डिफरेंट मंथ्स। क्योंकि जो या जो दूरी होती है सन और अर्थ के बीच की ये चेंज वो चेंज करती है बदलाव लाती है इन डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग मंथ में ये जो है बदलाव लाती है। तो सन और अर्थ के बीच की दूरी की वजह से क्या होता है अलग अलग मंथ में अलग अलग चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको आगे हम आपको और स्टडी कराएंगे तो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हम लेक्चर कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का, इतना आप लोग को पढ़ना है। थैंक यू।